जो राजनीतिक पार्टियां हैं वोट लेती है खर्चा के पूरे के। और एक जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमेशा ही जमीन से जुड़े नेताओं से उनको नजरअंदाज करती हैं। इनको लेके हम सोचा लेकिन कोई भी काम नहीं करते ना ये नजर आती है दोबारा और टिकटों की ये ब्लैक करती हैं। इसके ऊपर हमने सारी कॉलोनी ने बैठ के फैसला किया कि यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार उतार के ये जो पार्टियां हैं इनके मुंह पे तमाचा लगाया गया। अगर आप जीतते हैं सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? एजुकेशन, हेल्थ और यूथ। अगर देखा जाए तो लोगों का कहना है कि जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो सभी पार्टी के उम्मीदवार घर आते हैं, आश्वासन देते हैं, पार्टी के सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद लोगों के पास होना कि दूर की बात लोगों का फोन भी करना हो जरूरी है। आपने बिल्कुल सही बोला आपने, ये जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वोट लेती है खर्चा के पूरे के। मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ, लोकल कैंडिडेट हूँ यहाँ पे। सन 1978 में बापूधाम रह रहा हूँ। उनको हक दिलाना, घरों में दुकानें खुलवाना, डिस्पेंसरी खुलवाना, कम्युनिटी सेंटर है उसका विस्तार कराऊंगा। और सबसे बड़ी जो पार्किंग की समस्या है, कॉलोनी में इतनी बड़ी कॉलोनी है कोई पार्किंग नहीं है, सड़कों पे कार और स्कूटर खड़े रहते हैं जिससे लोगों की सुविधा होती है। ये मेरे 3-4 एजेंडे हैं जो सबसे पहले कराऊंगा, एक तो डिस्पेंसरी का, एक कम्युनिटी सेंटर का, एक पार्किंग का, एक मलकाना हक जो लोगों को मिले, चाहे इसके लिए हमें कोई भी संघर्ष करना पड़े, किसी भी तरह का मैं जाने के लिए तैयार हूँ, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।